हाय फ्रेंड्स, चाइनीज फूड लैब में आपका स्वागत है। पनीर से सिर्फ सब्जी बनाकर बोर हो गए, चलिए यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही बढ़िया रेसिपी, चुरचुर नान, जो कि पनीर से बनाएंगे। रेसिपी की ओर आगे बढ़ते हुए इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले एक कप मैदा लेंगे, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे और चुटकी भर बेकिंग सोडा और लास्ट में एक टेबलस्पून तेल। अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के डो रेडी करेंगे। डो रेडी हो जाने के बाद ढककर आधे घंटे के लिए साइड में रख दीजिए। तब तक एक बोल में एक कप कद्दूकस किया हुआ पनीर, एक बारीक कटी हुई छोटी प्याज, एक टीस्पून पुदीने के पत्ते, एक टीस्पून धनिया के पत्ते, नमक स्वाद अनुसार, एक टीस्पून चाट मसाला, एक टीस्पून अमचूर पाउडर, आधा टीस्पून अजवाइन, आधा टीस्पून छाछ का मसाला, एक टीस्पून गरम मसाला पाउडर, एक टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, एक टीस्पून धनिया जीरा पाउडर। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए, फिर डो लीजिए, डो को रोल करना शुरू कर दीजिए। अब घी या बटर जो अवेलेबल है उसे ब्रश कीजिए, फिर फोल्ड कीजिए, जिस तरह से यहाँ पर दिखाया गया है उसी तरह फोल्ड कीजिए। फिर से इसे थोड़ा और रोल कर लेंगे, बेल लेंगे, फिर से घी लगाकर फोल्ड करेंगे। बस इसी तरह से अच्छे से फिर से एक बार डो बना लेंगे। डो बनाकर इसे 10 मिनट साइड में रख दीजिए। फिर इसके तीन हिस्से कर लीजिए, यानी तीन नान बनेंगे इतने में से। थोड़ा सा आटा छिड़क कर रोल करना शुरू कीजिए। रोटी जितना बेल लेने के बाद हमारी फिलिंग ऐड करेंगे, थिकनेस चेक कर लीजिए। जैसे कि आलू पराठा बनाते हैं उसी तरह फिल करेंगे। फोल्ड करके फिर से बॉल बना लीजिए। अब फ्लिप करके इस पे थोड़ा सा पानी लगाएंगे। पानी लगाने के बाद धनिया के पत्ते और पुदीने के पत्ते लगाएंगे। और फिर से थोड़ा सा आटा छिड़क कर बेलना शुरू करेंगे। देखिए ऑलमोस्ट साइज परफेक्ट है। अब इसे मोड़ दीजिए और पीछे की साइड में पानी लगा दीजिए। अब तवे पे डाल दीजिए और जेंटली प्रेस कीजिए, ज्यादा जोर से मत कीजिए, और तकरीबन एक मिनट तक मीडियम फ्लेम पे कुक होने देने के बाद तवे को फ्लिप कर दीजिए। हाँ, नान को फ्लिप नहीं करना है, तवे को ही फ्लिप करना है और नीचे से मीडियम आंच पर नान को पकने देना है। ये तकरीबन एक मिनट लेगा, लेकिन ध्यान रखिए सारी तरफ से अच्छे से कुक होना चाहिए। देखिए दिख रहा है बहुत ही अच्छे से कुक हो रही है हमारी नान। हमारी नान रेडी है। अब इसे तवे पे से नीचे उतार लीजिए। नीचे उतारने के बाद ब्रश से बटर या घी जो आप चाहे वो लगा सकते हैं। देखिए हमारी टेस्टी और एकदम सॉफ्ट चुरचुर नान तैयार है। तो देर किस बात की, जाइए बनाइए, खाइए, सबको खिलाइए, कुछ नया लगेगा।
अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और पास दिए गए बेल आइकन को टैप कीजिए।